भारतीय वन सेवा के 44 अधिकारियों के तबादलों की खबर। सुपांग शशि वन संरक्षक FPRP जयपुर, सुगनाराम जाट उप वन संरक्षक अजमेर और संग्राम सिंह कटियार उप वन संरक्षक JDA जयपुर यहां पर पदस्थ हुए हैं। वहीं मोनाली सेन विशिष्ट शासन सचिव बनाई गई हैं वन एवं पर्यावरण जलवायु परिवर्तन विभाग जयपुर में। अजय चित्तौड़ा उप वन संरक्षक उदयपुर पदस्थ हुए हैं। वहीं देवेंद्र प्रताप जागावत उप वन संरक्षक वन्यजीव जयपुर पदस्थ हुए। वहीं संजय प्रकाश भादु उप परियोजना निदेशक के तौर पर पदस्थ हुए हैं राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना जयपुर। रमेश कुमार मालपानी उप परियोजना निदेशक बनाए गए हैं राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना में और राजधानी में इनकी ड्यूटी रहेगी। राजेंद्र कुमार हुडा उप वन संरक्षक अलवर, महेंद्र कुमार शर्मा उप वन संरक्षक एवं उप क्षेत्र निदेशक सरिस्का बाग परियोजना में पदस्थ हुए हैं। मुकेश सैनी उप वन संरक्षक वन्यजीव राजसमंद पदस्थ हुए हैं। वहीं सविता दहिया उप वन संरक्षक बाड़मेर पदस्थ हुई हैं। आलोक नाथ गुप्ता उप वन संरक्षक सलुम्बर पदस्थ हुए हैं। वहीं अजीत उचोई उप वन संरक्षक दौसा पदस्थ हुए हैं। बड़ी जानकारी, वन विभाग के तमाम अधिकारियों के तबादले हुए हैं और ये जो फेरबदल लगातार सरकारी कर्मचारी सरकारी अधिकारियों में हो रहा है इसका सिलसिला लगातार जारी है। मुख्यमंत्री नए बनने के बाद, सरकार नहीं आने के बाद आप लगातार ब्यूरोक्रेसी में बड़े फेरबदल राजस्थान में देख रहे हैं। मुख्य सचिव से लेकर DGP से लेकर IPS IAS RAS अधिकारियों के तबादले हुए और अब वन विभाग के तमाम कर्मचारियों के तबादलों की खबर। अपूर्वा कृष्ण श्रीवास्तव भी पदस्थ हुई हैं। सविता दहिया उप वन संरक्षक बाड़मेर पदस्थ हुई हैं। अजीत उचोई उप वन संरक्षक दौसा में पदस्थ हुए हैं। तो तमाम वन विभाग के कर्मचारियों के तबादले हुए हैं। डॉक्टर रामानंद भाकर का भी तबादला हुआ है रणथंबोर बाघ परियोजना में, इन्हें पद स्थापित किया गया है। वहीं मोहित गुप्ता उप वन संरक्षक जोधपुर पदस्थ हुए हैं। वन विभाग में बड़े फेरबदल, कई अधिकारियों के ट्रांसफर हुए हैं और अब जो नई सरकार की नई नीति है, अधिकारियों के ट्रांसफर होने के बाद अब क्या फेरबदल होते हैं आगे वो देखने वाली बात होगी और क्या असर प्रदेश में इन तमाम ट्रांसफर तबादलों का होता है वो भी देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि एट दी एंड हर सरकार को गुड गवर्नेंस चाहिए, हर आम जन को गुड गवर्नेंस चाहिए और अगर सरकारियों के ट्रांसफर होने के बाद, सरकारी अधिकारियों के ट्रांसफर होने के बाद अगर बड़ा फेरबदल प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था में होता है कुछ बेहतरी के लिए तो ये अच्छी बात है। अब ये देखते हैं कि तमाम जो फेरबदल ट्रांसफर ब्यूरोक्रेसी में देखने को मिले उनका कितना असर देखने को मिलता है। और अब वन विभाग के भी तमाम कर्मचारियों का ट्रांसफर किया गया है और ये ट्रांसफर की जो सूची है 44 अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। तो भारतीय वन सेवा के 44 अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, ये तबादलों की सूची है और कई नाम हम आपको दिखा रहे हैं जो पद स्थापित हुए हैं। भारतीय वन सेवा के 44 अधिकारियों का ट्रांसफर, रमेश कुमार मालपानी उप परियोजना निदेशक बनाए गए हैं। इसके अलावा आपको बता दें उप परियोजना निदेशक राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना जयपुर, इनकी पदस्थापना हुई है। राजेंद्र कुमार हुड्डा उप वन संरक्षक अलवर में पदस्थ होंगे। मुकेश सैनी उप वन संरक्षक वन्यजीव राजसमंद बनाए गए हैं। भारतीय वन सेवा के 44 अधिकारियों के तबादले हुए हैं। सविता दहिया उप वन संरक्षक बाड़मेर पदस्थ हुई हैं। इसके अलावा आपको बता दें आलोक नाथ गुप्ता उप वन संरक्षक सलुम्बर पदस्थ हुए हैं। तो ये है ट्रांसफर सूची, 44 अधिकारियों के तबादले हुए हैं। भारतीय वन सेवा के 44 अधिकारियों के तबादले, बड़ी जानकारी। राजस्थान में ब्यूरोक्रेसी में लगातार फेरबदल हुआ। IAS IPS अधिकारियों के ट्रांसफर होने के बाद RAS अधिकारियों के भी ट्रांसफर हुए और अब वन सेवा के जो तमाम अधिकारी हैं उनके भी ट्रांसफर किए गए हैं। मोहित गुप्ता उप वन संरक्षक बनाए गए हैं जोधपुर में, ये है तबादला सूची। अपूर्वा कृष्ण श्रीवास्तव उप वन संरक्षक कोटा पदस्थ हुए हैं।
भारतीय वन सेवा के 44 अधिकारियों के तबादले और तबादला सूची लगातार हम आपको बता रहे हैं। सुपांग शशि वन संरक्षक बनाए गए हैं, एफपीआरपी जयपुर पदस्थ हुए हैं। वहीं सुखदाराम जाट उप वन संरक्षक अजमेर पदस्थ हुए हैं।